दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे फेस पैक और स्क्रब लगाने का बेहतरीन तरीका, किस तरीके से चेहरे पर आप स्क्रब करें और फेस पैक लगाएं तो अच्छा निखार आए, चेहरे पर अच्छा ग्लो आए। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा आखिरी तक का। तो चेहरे पर स्क्रब मसाला लगाने से पहले आपको चेहरे को धोले नए पानी मार करके इस तरीके से साफ़ कर लीजिए। चेहरे पर जो भी धूल मिट्टी गाद लगी हो साफ़ हो जाए। दोबारा से पानी मार दीजिए आप चेहरे पर। चेहरे को धो करके दोबारा से पानी मार देना है। इस तरीके से पूरे चेहरे को भिगो देना है अच्छे से। तो चेहरे पर दोस्तों हम लगा देंगे फेस वॉश। ये है नेचर्स का हनी आलमंड फेस वॉश, बहुत अच्छा फेस वॉश होता है नेचर्स का। इस तरीके से थोड़ा सा हाथ पे निकाल लीजिए, उसके बाद पूरे चेहरे पर लगा करके मसाज करना है इसको। इस तरीके से आप फेस वॉश के पूरे चेहरे पर लगा दीजिए। इस तरह से दो से तीन मिनट तक आपको मसाज करना है। यह है गुलाब जल, इसके ऊपर थोड़ा सा गुलाब जल मिला देंगे हम। गुलाब जल लगा करके इस तरह से आपको मसाज करना है। तीन से चार मिनट तक आप फेस वॉश से मसाज करेंगे पूरे चेहरे पे। उसके बाद हम लगा दे रहे हैं इनके चेहरे पर स्क्रब। यह दोस्तों स्क्रब एवर रूथ का चॉकलेट चेरी स्क्रब, बहुत अच्छा स्क्रब होता है। तो फेस वॉश से चार मिनट मसाज करने के बाद में आपको लगाना है स्क्रब। इस तरीके से पूरे चेहरे पर आप स्क्रब लगा दीजिए। आपके पास कोई भी स्क्रब हो आप लगा सकते हैं, आपके पास जो भी है। स्क्रब लगाने के बाद में आपको इस तरीके से 5 से 7 मिनट तक मसाज करना है पूरे चेहरे पे। इस तरह से आप बढ़िया से अच्छे से मसाज करेंगे। जितने अच्छे आप मसाज करेंगे चेहरे पर उतने अच्छा चेहरे को निखार आता है, उतना अच्छा चेहरा ग्लो करेगा। इस तरह से आप पूरे चेहरे मसाज करिए बढ़िया से, गले पर, गाल पर, मत्थे पर 5 मिनट मसाज करने के बाद में। अगर ये क्रीम सूख जाता है तो इस पर आप गुलाब जल मिला लीजिए। आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप इसमें पानी मिला करके भी स्क्रब मसाज कर सकते हैं चेहरे का। दोस्तों 5 मिनट मसाज करने के बाद में आपको मशीन चलाना है। मसाजर मशीन इस तरीके से आप पूरे चेहरे चलाइएगा। मशीन आपको 3 से 4 मिनट तक का चलाना है। मसाजर चलाने दोस्तों कई फायदे हैं चेहरे पर। मसाज चलाने से अच्छा निखार आता है, चेहरा ग्लो करता है और चेहरे पर जो किल मसों गड्ढे होते हैं वो धीरे धीरे सही हो जाते हैं। मसाजर से चेहरे पर ग्लो आता है। आपके पास अगर मसाजर नहीं है तो आप कम से कम 15 मिनट तक हाथ से मसाज करें स्क्रब और फेस वॉश लगा करके। आपके पास अगर मशीन है तो आप 5 मिनट हाथ से मसाज करने के बाद आप मशीन चलाइए 3 से 4 मिनट तक का। मशीन चला देने से चेहरे पर मांसपेशियों में जो ब्लड सर्कुलेशन रुका होता है वो सही हो जाता है, चेहरे की थकान हट जाती है। जब भी आप स्क्रब मसाज करें चेहरे का उस पर आप मसाजर जरूर चलाइए। मसाजर चला देने से चेहरे पर निखार आता है, चेहरा ग्लो करता है। 3 से 4 मिनट मशीन चलाने के बाद में आप मसाज करिए। क्रीम सूख जाता है तो आप इसमें गुलाब जल मिला लीजिए।
गुलाब जल मिला करके आपको इस तरीके से 4 से 5 मिनट तक का मसाज करना है पूरे चेहरे पे। पाँच मिनट मसाज करने के बाद में हम आपको धो करके दिखाएंगे इनके चेहरे पर कितना अच्छा निखार रहा है, चेहरा कैसा ग्लो कर रहा है। इस तरह से आपको मसाज करना है सब जगह। जितने अच्छा आप मसाज करेंगे उतने अच्छा चेहरे पर निखार आता है, चेहरा उतना अच्छा ग्लो करेगा। पांच बार मसाज करने के बाद में चेहरे को धो देना है। तो हम इनके चेहरे को धुलेंगे, अभी हम धो करके आपको दिखाते हैं इनके चेहरे पर कितना अच्छा निखर रहा है, चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। तो आपके पास अगर मसाजर मशीन नहीं है तो आप कम से कम 15 मिनट तक यहाँ से मसाज करें फेस वॉश और स्क्रब मिला करके। उसके बाद में चेहरे को धो देना है, अच्छा साफ कर लेना है। चेहरे पर जो भी क्रीम मटेरियल लगा है पूरा धो लीजिए, साफ कर लीजिए। धोने के बाद में आपको लगाना है गुलाब जल, वो क्या नाम है आपका, फेस पैक। फेस पैक अगर आप लगाना चाहते हैं तो मसाज करके चेहरे को बढ़िया धो लीजिए, पानी मार करके अच्छे साफ कर लीजिए। उसके बाद में आप फेस पैक लगाइए। हमने इनके चेहरे को धो दिया है, अच्छे साफ कर दिया है। देखिए इनके चेहरे पर निखार, देखिए कितना अच्छा ग्लो आया चेहरे का। वीडियो को मैं लाइक करिएगा, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको भी वीडियो कैसी लगी। अब हम इनके चेहरे पर लगाएंगे दोस्तों फेस पैक। ये है रोज फेस पैक, गुलाब से बना हुआ है, बहुत अच्छा फेस पैक होता है रोज फेस पैक। जब भी आपको फेस पैक लगाना हो चेहरे पर तो आप चेहरे का सबसे पहले स्क्रब मसाज करिए, उसके बाद में आप फेस पैक लगाए या तो डिटेन पैक लगाए, जो भी आपको लगाना हो। इसको लगाने से पहले चेहरे को आप स्क्रब कर लीजिए। बगैर स्क्रब मसाज के अगर आप चेहरे पर फेस पैक या डिटेन पैक लगाते हैं तो उसका कोई चेहरे पर असर नहीं होता है, चेहरे पर निखार नहीं आएगा, चेहरा ग्लो नहीं करेगा। तो पैक लगाने से पहले आप चेहरे को स्क्रब करके अच्छे से धो लीजिए, चेहरे को साफ कर लीजिए। फेस पैक अगर सूख गया तो उसमें आप गुलाब जल मिला करके उसका हल्का सा गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए, ज़्यादा पतला ना करिएगा। ज़्यादा पतला हो जाता तो लगाते नहीं बनेगा, बहेगा। इस तरीके से आप ब्रश से लगा दीजिए पूरे चेहरे पर फेस पैक। आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो आप उंगली से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके पूरे चेहरे पर लगा देना है, पूरा चेहरे को पैक कर देना है, गले से लेकर मत्था, आँख के ऊपर सब जगह, मत्थे पर, गले पर, गाल पे सब जगह लगा देना है। कान के ऊपर लगा दीजिए, आँखों के ऊपर लगा दीजिए, पूरा पैक करना है आपको। लगाने के बाद में आप इसको छोड़ दीजिए सूखने के लिए, 15 से 20 मिनट लगता है इसको सूखने में। सूखने के बाद में कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो ये लगा करके करीब 20 मिनट हो गया है, अब हम इसको धुलेंगे। इस तरीके से आप हाथ मार करके चेक कर लीजिए सूखा कि नहीं सूखा है। जब तक सूख नहीं जा रहा तो आप सूखने का इंतजार करिए, जब तक सूख नहीं जा रहा तो आप इसको धुलेंगे नहीं, सूखने के बाद में धुला जाएगा। इस तरीके से हम पानी मार दे रहे हैं इनके चेहरे पर, पूरे चेहरे पर पानी मार करके हल्का सा मसाज करेंगे पूरा छूट जाएगा, बहुत आसानी साफ हो जाता है। हल्का सा मसाज करने के बाद में स्पंज से इसको हम छुड़ा देंगे।
अभी हम आपको धो करके दिखाएंगे इनके चेहरे पर कितना अच्छा निखार आया है, चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी के चेहरे को चमका सकते हैं, या अपने खुद को चेहरे पर थोड़ा सा मेहनत करके आप चमका सकते हैं, अच्छा निखार दे सकते हैं। ये देखेंगे चेहरे का निखार, देखिए। फिर वीडियो को हमें लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया।